तो यहाँ का जो लाओस का जो 1 लीटर पेट्रोल का दाम है वो है 25,000। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं पहली बार किसी मॉन्क के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के टाइम है 5:30 बजे और कल रात अच्छा खासा नींद हुआ, बट कल रात मतलब रात को 1 बजे के बाद सडनली टेम्परेचर इतना गिर गया, मतलब मुझे लग रहा था कि बार मतलब बर्फ़ गिर रहा है। पंछी का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। चलते बाहर और देखते सुबह का कैसा है लोकेशन और बाहर कैसा लग रहा है। चलते ठंडे 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 भाई, चारों तरफ तो कोहरा ही कोहरा है। भाई ये क्या हो गया। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पर एग्जैक्ट सोया था। ये रोड है, रोड को उसका जंप करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सोया था, मतलब मुझे सोच के भी अजीब सा लग रहा है कि मैं यहाँ पर सो गया था। ये पहली बार बहुत एक्सट्रीम था मेरे लिए। ये जंगल देखो, ये जंगल है, ये पहाड़ के ऊपर पूरा घना जंगल है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो मैं बोल रहा था, बारिश हो रहा था कल रात एक्चुअली बारिश नहीं है, ओस की वजह से ओस गिर रहा था, इसलिए बारिश का जैसा मतलब आवाज़ हो रहा था। देखो यहाँ पर भी ये ओस गिर रहा है, ये रहा बहुत नेक्स्ट लेवल रात को ठंड। दोस्तों अभी भी ठंड है, बट आपको थोड़ा रियल फील करवाने के लिए मैं बाहर लेके आया हूँ, ताकि आप भी घर बैठे बैठे आपको थोड़ा फील हो कि हाँ किस मौसम में मैं रहा हूँ, अभी हूँ फिलहाल। तो यही है पंछी का शोर, आवाज़ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो भाई चलते अंदर, ठंड बहुत तेज़ लग रहा है। कल जो भाई आए थे, जो यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भाई है, वो जो खाना लेके आए थे, वो रात को मुझे और एक बार कॉल किए थे। उन्होंने बोले कि अभिजीत भाई सुबह आना ज़रूर, और आके उनका जो सीनियर जो सर थे, सीनियर थे जो फ्रेंड थे बोल रहे थे, वो सीनियर से बातें की, बोले कल सुबह आना हमारे साथ एक बार, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए इन्वाइट किए। तो मैं एक बार, अभी तो 5:30 बजा है, अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अभी नींद से नहीं उठे, थोड़ी देर बाद मैं भी और थोड़ा सो जाता हूँ। ठंड लग रहा है, इतना ठंड से मैं बाहर जाके भी क्या करूँ, और गाड़ी भी अभी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो सुबह फिर से वही सेम ऑफिस में कल मैं जो गया था उनके वहाँ पर जाऊँगा, जाके थोड़ा मिल के, एंड देन उसके बाद मैं हिचहाइकिंग करना शुरू करूँगा। तो भाई मैं फिर से सो जाता हूँ, ठंड लग रहा है बहुत। भाई चलते अंदर। तो सुबह सुबह कुछ बाहर कुछ मेहमान आए हैं, दिखा देता हूँ। हेलो समाधि, यू फायर, ओके 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 ओके। हेलो, तो भाई लोग यहाँ पर आग जला रहे, तो पता नहीं कुछ खाना बनाएंगे शायद। हाँ ओके, अच्छा ओके, यहाँ पर खाना बनाएंगे ये लोग। हेलो चलो, बाकी जो भी आग जला रहे खाना बनाएंगे शायद, मैं भी पैक कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद चलेंगे आग की तरफ। ओके बाय बाय। ओके तो भाइयों चलते हैं, सुबह कुछ इस तरीके से शुरू हुआ आज। और मैं अभी जा रहा हूँ, जो कल रात जो भाई आए थे वहाँ से, वो मुझे फ़ोन किए थे कि अभिजीत भाई आ जाओ, हाँ ब्रेकफास्ट करके जाना। तो चलते बाकी वहाँ पर, थोड़ा फ्रेश भी हो जाते हैं एंड देन उसके बाद देखेंगे जो भी होता है। बाय बाय दोस्तों, आ गया भाई के पास। गुड मॉर्निंग, ओके सॉरी सॉरी, नो वीडियो। ओके दोस्तों, तो मेरा यहाँ पर नहाना भी हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़ा फ्रेश होके मैं निकल रहा हूँ। और ये है भाई, या वेयर यू पुट द ऑयल, वेयर हियर, ओके ओके लेट्स गो। तो ये भाई मुझे आगे की गांव में मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ आगे के गांव में, और आपको यहाँ पर सोया था।
तो दोस्तों यहाँ पर भाई थोड़ा यहाँ पर पेट्रोल डालेंगे। हाउ मच फॉर वन लीटर पेट्रोल? वन लीटर अबाउट 25,000 अराउंड। ओके, यहाँ का जो तो यहाँ का जो लाओस का जो वन लीटर पेट्रोल का दाम है वो है 25,000, और उससे अभी इंडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 248 है, कन्वर्ट कर लीजिए, तो बाकी यही है। चलो भाई चलते हैं, या पेट्रोल भर ले, फिर से हम चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। थैंक यू, थैंक सो मच मैन। माय गॉड, थैंक यू सो मच सनी, थैंक सो मच। तो बाकी चलते हैं, मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ पर रुक रहा हूँ। ऐसा कुछ प्लेस है यहाँ पर, अभी एक्चुअली एक मंदिर टेंपल है, टेंपल का ये जो पुराना टेंपल है, नया टेंपल का काम चल रहा है। और हेलो सवदी ये यहाँ के मॉन्क है, और एक भी मॉन्क है वहाँ पर, ये अभी स्टूडेंट है यहाँ पर सीख रहे हैं, और मुझे यहाँ पर मिला है जगह यहाँ पर मुझे रहने के लिए। तो दोस्तों दोपहर का टाइम है 1:30 बजे, और यहाँ पर मुझे बोले कि हमारे साथ आज लंच करो, तो ऐसा कुछ मॉन्क लोग ऐसे लंच करते हैं। ओके दोस्तों, ये कुछ सामने ये कुछ मीट है, और ये बाम्बू सूट, ये कुछ मिर्ची हरा मिर्च मिक्स करके रखे, और ये है स्टिकी राइस। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं पहली बार किसी मॉन्क के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो खूब चाय, खूब चाय, थैंक यू। यस यस, ओवर मामा। गाइस, खाना लंच हो गया भाई, मिर्ची से जान निकल रहा है, बट ये जो बंदा है जो कैमरा पकड़ा है उसे कुछ नहीं हो रहा है भाई, पूरा ये मिर्ची है, आधा मिर्ची ये बंदे ने खा लिया। ऐसे खा रहे भाई, बट टेस्टी है बहुत, कसम से बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, मतलब ऑलरेडी टाइम हो चुके हैं 10:30 के आसपास है, और ये लोग सुबह से यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिए इनके साथ, और ये रहा मेरा कैंप। और सुबह उठ के सब, मैं सुबह उठ गया था, उठ के इनके साथ मैंने मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद इतना सारा मेरा ड्रेस था, गंदा ड्रेस था, वो सारे ड्रेस मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिए, क्योंकि ड्रेस में इतना ड्रेस इतना गंदा हो गया था, मतलब ऐसे कर रहा था तो धूल उड़ रहा था। इतने दिन से मैं मतलब ड्रेस वगैरह नहीं धोया, इसलिए पूरा गंदा हो पड़ता, वो काम मैंने निपटा लिया। और दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ कि देख सकते बाल बहुत ही बड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा काटना अजीब से लग रहा है। एंड उसके बाद मार्केट पास ये इस गांव के, गांव से होके हम मार्केट की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर दुकान वगैरह है, तो बाकी चलते हैं। और ऐसा कुछ गांव है, इस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ से मैं कल चला जाऊँगा। बहुत कुछ सीखा यहाँ के जो मॉन्क है, थोड़े बच्चे लोग मॉन्क है, तो उन लोगों का जो डिसिप्लिन है वो मुझे सीखने को बहुत अच्छा लगा, मतलब मानना पड़ेगा ये लोग, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग, मतलब क्या बताऊँ, घर छोड़ के 1-2 साल यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर वो लोग मेडिटेशन सीखते हैं, और लॉर्ड बुद्धा की जितने सारे उनके कही हुई रास्ते पर चलते हैं, पूरा डिसिप्लिन, मतलब अच्छा लगा। मैंने सोचा यहाँ आके मैं गांव घूमूंगा, बट गांव इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव है, बट उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि वो लोग किस तरीके से डिसिप्लिन अपने, मतलब लाइफ को कैसे डिसिप्लिन तरीके से वो लोग रहते हैं, वो सारे चीज़ें मैंने सीखने को मिला। और ये रहा छोटा सा गाँव पहाड़ के ऊपर, दो माल है भाई, दो फ्लोर है, लकड़ी के घर, ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा भी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। अरे कोई गांव का छोटा दुकान, मोस्टली लोग यहाँ पर मैंने देखे मतलब घर में मतलब छोटा दुकान बाहर खोल के रखे, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा घर है या दुकान है। अरे ये भी सामने दो माले लकड़ी के घर, बहुत अच्छा लग रहा है घर। और सामने वो आ गया मार्केट, उस मार्केट से हम लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो भाई आ गए, ये है हेयरकट की दुकान, सबडी इंडिया
ये हेयर कट, बाल काटने से पहले का नज़ारा आप देख लीजिए, ऐसा था। काटने के बाद पता नहीं क्या करेंगे भाई साहब। चलो बाकी मैंने उनको बोला कि छोटा छोटा कर दो। ओके दोस्तों, पहली बार मैं किसी फॉरेन कंट्री में अपना बाल काट रहा हूँ, देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. So, दोस्तों ये लाओस वाला हेयर कट है। मैंने बोला बस छोटा कर दे, जो करना है कर ले। तो भाई ने ऐसा कुछ हेयर कट कर दिया। कमेंट में जरूर बता दें कैसा लग रहा है। और थैंक यू भाई साहब को। कब चाय ब्रात? थैंक यू सो मच। और इस हेयर कट के लिए मुझे पे करना पड़ रहा है 20,000 की, मतलब इंडिया का 80 रुपीज़। सही है, 80 रुपीज़ में बाहर की कंट्री में आप हेयर कट करना बहुत ही चीप है भाई उसके हिसाब से। तो बहुत अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके थैंक यू। सो बाकी चलते हैं दोस्तों आगे, और मुझे एक मेरा मोबाइल को थोड़ा रिचार्ज करना है। सो दोस्तों मैं आया था रिचार्ज करने, और मैं आपको बताया नहीं कि मैंने लाओ में आके कब मैं सिम लिया था। मैंने बॉर्डर पार करके वहाँ के पास में जहाँ पर कैंपिंग किया था वहाँ पर मैंने सिम ले लिया था। सिम कार्ड का जो ऑपरेटर है वो लाओ टेलीकॉम, और उसके लिए मैंने 600 रुपीज़ मैंने पे किया था, और मुझे मिला था सिर्फ 10 GB, वो भी 6 दिन के लिए। मतलब उस दिन मुझे पता नहीं चला, हड़बड़ी से मैंने ले लिया था। और यहाँ आके फिर से रिचार्ज कर रहा हूँ। और एक चीज़ खास बात है, लाओ में आपको ना जो हमारे इंडिया में पहले होता था प्रीपेड कार्ड ऐसे स्क्रैच करके आपको रिचार्ज करना होता है, यहाँ पर भी वो चीज़ अभी भी है। मैंने उनको दिया 10,000 किप, और मतलब 40 रुपये इंडिया का, और मुझे इसमें मिलेगा मुझे 10 GB, वो भी 6 दिन के लिए। ठीक है, तो अभी यही है, और मुझे नहीं पता कैसे रिचार्ज करना है। भाई को बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा रिचार्ज कर दो, कैसे करना है। ऐसा लग रहा है कि मैं पास में चला आया हूँ, क्योंकि इंडिया में तो अभी कहीं भी मोस्टली देश में आपको नहीं मिलेगा कि स्क्रैच कार्ड आपको प्रीपेड कार्ड मिलेगा अंदर रिचार्ज करोगे। अच्छा लग रहा है, बहुत लग रहा है मैं पास में बहुत ही मतलब अतीत में चला आया हूँ। हाँ, चलो बाकी दोस्तों रिचार्ज हो गया है, अभी चलते फिर से जहाँ से मैं आया था। भाई टेंशन बढ़ गया, मतलब यहाँ आके देखा बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, और मेरा कैंप अभी तो सेफ जगह है, बट बहुत तेज़ अगर हवा होगा तो शायद पानी अंदर आ जाएगा। ये साइड लॉक कर दिया मैंने, दोनों साइड हीरा दोनों साइड मैंने लॉक कर दिया, बट फिर थोड़ा डर है कि पानी अंदर ना घुस जाए। अगर इसके अंदर पानी चला जाएगा तो 2-3 घंटे बाद पूरा अंदर भीग जाएगा। अभी देखते हैं अंदर क्या सीन है। दोस्तों अंदर आ गया, अंदर तो अब तक सही लग रहा है, और अंदर को रात को अगर पानी आ जाएगा इसके नीचे तो जो है चाहे में झेल नहीं पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल जो पेपर होता है पॉलीथीन पेपर वही है। तो बाकी होप करता हूँ कि सब सेफली रहे।